मैंने ले लिया है एक पाव घी, आपको जो भी पसंद है, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं या घी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, सरसों का ऑयल भी बन सकता है। घी हमारा जब गर्म हो जाएगा तो मैं 1.5 किलो गोश्त का चिकन का कोरमा बनाऊंगी, तो उसमें मैंने ले लिया है तकरीबन 1 किलो के करीब प्याज, और हम इसे ब्राउन कर लेंगे। हाई फ्लेम पे हम प्याज को बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, उसके बाद हम इसको निकालेंगे। बस जीरा और 4 से 5 सब्ज़ इलायची, और तकरीबन 8 से 10 दाने मैंने लिए हैं काली वाली गोल मिर्च की, 2 बड़ी इलायची हैं, 4 से 5 लौंग और 1/2 इंच का टुकड़ा दालचीनी का। यही क्वांटिटी जो है हम मसालों की लेके ग्राइंड कर लेंगे, पाउडर फॉर्म में बना लेंगे, और यही क्वांटिटी मैं इसमें प्याज जब बिल्कुल ब्राउन होने लगेगी उस टाइम पे हम इसको, प्याज हमारी ब्राउन होगी, इससे ज़्यादा हम ब्राउन नहीं करेंगे, नहीं तो फिर कीमे में जो है वो कड़वाहट आ जाती है। अब हम इसको निकाल लेंगे सारे एक फोर में, वही ऑयल है जिसमें हमने प्याज ब्राउन की थी। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून लहसुन और 2 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट। ये थोड़ा सा इसको हल्का सा ब्राउन कर लेते हैं, फिर हम इसमें चिकन डाल देंगे, और मीडियम टू लो फ्लेम मैंने की कर दी है ताकि हमारा ऑयल या अदरक लहसुन है वो जले ना। हमने इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस ये खुशबू आना शुरू होगी तो हम इसमें चिकन डाल देंगे। मैंने ले लिया है ये तकरीबन 1.5 किलो चिकन है, इसे अच्छी तरीके से भून लिया मैंने, और हम इसे अदरक लहसुन में डाल देंगे। इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे अदरक लहसुन के साथ अच्छी तरीके से भूनेंगे ताकि आधा चिकन जो है हमारा इसमें ही गल जाए और थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, फिर हम इसमें बाकी मसाले डाल देंगे। ऑयल हमारा ऊपर आना शुरू हो गया, साथ लगी है कि चिकन का जो ड्राई उसमें पानी होता है वो सारा ड्राई हो गया है, अब हम इसमें मसाले डालेंगे। एक तो हमने दही ले लिया है और मैं ये पैकेट का मसाला यूज़ कर रही हूँ, अगर आप घर का यूज़ करना चाहते हैं तो थोड़ा सा हम इसमें दही ऐड कर लें। 1 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ इसमें साबित धनिया जो कि क्रश किया हुआ है, मसाला नंबर 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ इसमें, जायफल जावित्री पाउडर ब्राउन करी थी इसे मैंने फ्रीजर में रख दी थी, इसको मैं ग्राइंड कर रही हूँ। आप चाहें तो हाथ से भी इसको इस तरीके से मैश कर सकते हैं, मैं इसे ग्राइंड कर रही हूँ। जो दही के साथ मैंने मसाले निकाले थे वो दही के साथ सब फेंट लिए हैं और मिक्स कर लिए हैं, अब हम ये सब डाल देंगे इसमें, और इसी में मैं इसी बाउल में अब हम इसको भूनेंगे 5 मिनट्स के लिए, फिर हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे दम पे लगा देंगे। अभी मैं इसे भून रही हूँ, ग्रेवी ऊपर आ जाएगी तो हम इसे कवर करके रख देंगे।